जल्द ही होने वाले चुनावों के लिए राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इन दिनों वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और आज इसी के दौरान सीएम खट्टर ने कुछ ऐसा कर दिया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हिसार जिले के बरवाला हलके में पहुंचे थे। यात्रा में स्वागत के दौरान एक बीजेपी नेता ने उनके हाथ में फरसा दिया जिसे वो हवा में लहरा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से बरवाला हलके के बीजेपी नेता डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज ने उन्हें जैसे ही मुकुट पहनाने की कोशिश की तो सीएम नाराज हो गए। सीएम खट्टर फरसा लहराते हुए जनता को संबोधित कर रहे थे और अचानक पीछे से उन्हें मुकुट पहनाया जाने लगा, जिसके बाद वो बीच में ही रुक गए और नाराज सीएम ने हर्ष मोहन भारद्वाज को तीखे लहजे में कहा कि तेरा गला काट दूंगा। इसके बाद हर्ष मोहन भारद्वाज हाथ जोड़कर सीएम के सामने खड़े हो गए। अब इस बात पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस घटना का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि गुस्सा और अहंकार सेहत के लिए हानिकारक है। खट्टर साहब को गुस्सा क्यों आता है? फरसा लेकर अपने ही नेता को कहते हैं गर्दन काट दूंगा तेरी, फिर जनता के साथ क्या करेंगे। सीएम खट्टर के गुस्से में कई बात का वीडियो वायरल भी हो गया है यात्रा के दौरान। इसके बारे में जब बीजेपी नेता हर्ष मोहन भारद्वाज से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गर्दन काट दूंगा तेरी, गर्दन काट दूंगा तेरी।